नमस्ते दोस्तों, आज मैं छोले भटूरे बनाने जा रही हूँ, जिसकी शुरुआत मैं छोले से कर रही हूँ। जिसके लिए मैंने ये सब सामान लिया है। ये मैंने एक कटोरी सफेद चने लिए हैं जो कि ओवरनाइट भिगो दिए थे, और 2 चम्मच ये मैंने छोले मसाला लिया है। ये 4-5 इमली मैंने भिगो दी थी जिसको मैंने छान कर उसका पल्प निकाल दिया है। 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने अनारदाना लिया है। ये आपको जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है जब डालते हैं उसमें। तो ये 1 चम्मच अजवाइन, ये 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा अदरक, 4-5 कलियां लहसुन की, 1 हरी मिर्च, 2 प्याज, 1 टमाटर, 10-12 काली मिर्च, 6-7 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी, ये हींग की छोटी सी डेली, और ये जावित्री लिया है मैंने। अब मैं छोले गलाने जा रही हूँ। अब सबसे पहले मैं चनों को बॉईल होने के लिए रखती हूँ। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच खाना सोडा, 1/4 चम्मच। तब तक मैं भटूरे की मैदा लगा लेती हूँ, जिसके लिए मैंने ये सब सामान लिया है। ये मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, आधी चम्मच इनो लिया है, 1 कटोरी खट्टा दही, 1 चम्मच शक्कर, 2 चम्मच रिफाइंड लिया है मोहन के लिए, और 1 चम्मच नमक। अब मैं मैदा लगाने जा रही हूँ। इसके लिए नरम मैदा लगानी है, ज्यादा सख्त नहीं लगानी है। चलिए अब हम मैदा लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक डाल रहे हैं, उसके बाद दही, शक्कर, ये रिफाइंड, और ये इनो। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए मैदा लग चुकी है। इसको रोटी से थोड़ा सा नरम लगाना है बस। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए ढककर रख देती हूँ। तो जब तक मैदा तैयार हो रही है तब तक हम छोले बना लेते हैं। इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं मैंने। सबसे पहले मैं हींग डाल रही हूँ, अजवाइन, तेज पत्ता, दालचीनी, हमें प्याज डाल रही हूँ। इसके साथ मैंने जिंजर डाल, प्याज के साथ ही मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पीस लिया था, वो भी इसी में डाल दिया। प्याज को ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए प्याज ब्राउन होने लगा। अब मैं इसमें छोला मसाला डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर,
काली मिर्च और लौंग जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने चने बॉईल होने में डाल दिया था। अब ये टमाटर का पेस्ट, इसी में हम ये अनारदाना डाल देंगे जो कि मैंने पीस लिया था। मसाले को तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल अलग होने लगे। देखिए मसाला भून चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। अब इसमें मैं इमली का पल्प डाल दूंगा। देखिए मसाला भून चुका है, कितना अच्छा कलर आया है इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ये छोले डालती हूँ। देखिए छोले बनकर तैयार है, अब मैं इसको बाउल में निकाल लूंगी। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, मैदा परफेक्ट लग के तैयार है। अब मैं भटूरा बनाना शुरू कर रही हूँ। देखिए ऑयल गरम हो चुका है, मैं थोड़ा सा ही आटा डाल के देखे ले रही हूँ। देखिए भटूरा कितना अच्छा फूला है,